एवरीवन वेलकम टू मम्मीज फॉर लायन। गुड आफ्टरनून हो गई बराबर, अभी 1:15 बज चुके हैं। आज हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं आज घूमने के लिए। तो चलिए कहाँ जा रहे हैं हम देखेंगे आगे चल के। मैंने लिपस्टिक वगैरह सब अप्लाई कर लिया है, मैंने डिमांड से टी शर्ट लिया था वो मैंने वेयर कर लिया है। तो मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ, खुद को ही देख रही हूँ, बस मुझे अभी बाल बनाने के तो वो बनाऊंगी और ऐसे ही ऊपर ऐसे ट्राई करके लूंगी गाड़ी के लिए। और सबसे मेन रीजन है हम लोग बाइक राइड के लिए जा रहे हैं, ऑलवेज मैं वैसे ही बोलती हूँ, बाइक राइड के लिए जा रहे हैं। आयन को भी लेके जा रहे हैं तो आयन भी थोड़ा घूम लेगा हमारे साथ। बहुत दिन हो गए हम लोग ना बाइक राइड गए ना कुछ गए। ये आयन की तबीयत ठीक नहीं चल रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही, हस्बैंड को थोड़ा सा सर्दी है ऐसा वैसा, तो हम लोग जा ही नहीं रहे थे। तो आज फाइनली मौका मिल चुका है हमें जाने का, जो इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऑलरेडी हम थोड़े दिनों पहले यहाँ पे अंधेरी तो जाके ही आए थे, पर वो वैसे बाइक राइड नहीं थी, तो बाइक में घूमने का तो मजा अलग ही होता है। तो फाइनली वी आर रेडी एंड हम निकल रहे हैं। आज ना मैंने कुछ काम नहीं किया, मैंने वैसे ही छोड़ दिया, आज मैंने बोले सब रहने दे, आज हम चलते हैं घूमने के लिए। फैन का थोड़ा आवाज आता होगा। हस्बैंड बोले सब कुछ रहने दे, आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए, तो सिर्फ घूमते फिर आके देख लेंगे। तो मेरा बर्तन ही पड़े हैं थोड़े से, तो वो आके मैं करूँगी। चलिए फाइनली बेबी गुड बॉय। अरे इसका हेलमेट नंबर 8 मारो पकड़। मुझे लगा 6 लीटर आएगा। हम लोग पेट्रोल भरने के लिए रुके थे, तो फर्स्ट टाइम इतना 105 रुपये ही पेट्रोल है, 120 रुपये गया था पेट्रोल। तो आज मैं देख के एकदम शॉक हो गई। हस्बैंड बोल रहे थे मुझे कि पेट्रोल कम हुआ है, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। 111 तो पता था, 105 हो गए वो मुझे पता नहीं था। तो आज देखा तो एकदम मैं शॉक हो गई, तो 610 रुपये का ही भर लिया पेट्रोल। तो अभी हम लोग चल रहे हैं आगे, आगे की तरफ निकल रहे। उतना जूम किया मैंने वाटरफॉल को, पहुंच चुके हैं। ये लोकेशन है भीवपुरी का। तो हमारे यहाँ से बाइक से मुझे कितना घंटा लगा अपने को, हाँ 1.25 घंटा लगा है। अभी हम लोग पहुँच गए हैं। कुछ हमने लॉकर वॉकर कुछ भी नहीं लिया है, सिर्फ वहाँ पे एक पार्किंग के पैसे दिए, बस। तो अभी यहाँ से आगे चल रहे, क्योंकि इतना लंबा तो हम चढ़ के नहीं जा सकते हैं। देखते जहाँ तक पहुँचते, आयन के लिए आए हैं, जहाँ तक पहुँचते वहाँ तक जाते हैं, देखते हैं। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आए हम लोग, चलना थोड़ा सा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इतना सुंदर क्लाइमेट है, मैं क्या बताऊँ। हस्बैंड और आयन पीछे से चल रहे हैं और इतना सुंदर वाटरफॉल इतना लंबे से ही मुझे दिख रहा है। ओह माय गॉड, इतना ऊपर से भी लोग मतलब पूरा चल रहे हैं। ये बहुत मैंने जूम खींचा है, बाप रे हम तो कभी नहीं जा सकते इतना ऊपर, वहाँ एकदम ऊपर है देखिए लोग। थोड़ा सा ये है ना रोड, छोटू सा ऐसा रास्ता है ना यहाँ से जाने का। ये आफ्टर 3 to 4 years के बाद पूरा चेंज हो चुका है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम छोटा सा ऐसा ये था, इसके लिए मैंने एक क्लिप शूट कर लिया। अब यहाँ से बहुत ऐसे खतरनाक वाला रास्ता है जो देख देख के चल के जाना पड़ता है। तो अभी थोड़ा थोड़ा यहाँ से पानी स्टार्ट हो गया है, तो आयन को इतनी मज़ा आ रही है, इतनी मज़ा आ रही है, पानी के बीच से ही चलो। चलो चले, थोड़ा थोड़ा लिटल लिटल पानी है। ये संभल संभल के चल का पानी भी शुरू हो गया है यहाँ से, इस जगह से हम ऑल 10 से 12 मिनट्स चल के आए हैं। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी आया है, मुझे थोड़ा संभल संभल के चलना पड़ रहा है।
इतना डिफिकल्ट मतलब चढ़ने का था, हस्बैंड ने थोड़ा मुझे हेल्प किया तो मैं चढ़ गई। अभी देखते थोड़ा सा आगे चल के बहुत कुछ चेंज हो गया है ना रे। हाँ थोड़ा सा कम है पानी, बस कर। सुंदर लग रहा है एकदम। मैं तो ऐसे ही नीचे नीचे पानी में ही चल रही हूँ, उसमें मुझे बहुत मजा आ रहा है। हाँ उसमें खेलने दो उसे। तो हमने आयन के कपड़े निकाल दिए और मेरे पास रख लिए क्योंकि मैं नहीं भीग रही थी, मेरे पास फ़ोन भी था तो उस वजह से। तो हस्बैंड को आयन मतलब हस्बैंड और आयन दोनों भी भीगे, तो आयन को इतना डर लग रहा था ना बागे देखना, इतना चिल्ला रहा था फर्स्ट टाइम लेने के बाद। वो गया ही नहीं, जो नीचे छोटा छोटा था वहाँ पे ही खेल रहा था वो। तो ये देखिए हस्बैंड उसे लेके जा रहे हैं। बाकी सब बच्चे वाटरफॉल को इतना डर रहे थे क्योंकि वो पानी इतना फोर्स से आ रहा था। ये देखिए अभी वो सेकेंड टाइम जाएगा ही नहीं आगे। थोड़ा मज़ा आया उसे। अभी मैं जाऊँगी तो बिना फ़ोन का ही जाऊँगी तो मुझे भीगने के लिए मिलेगा। तो अभी देखिए अभी उसको लेके जा रहे फिर से, पर वो रो रहा है ना, बोल रहा है वो नहीं बाबा नो बाबा नो। ये देखिए फिर वो बाजू में ना नीचे नीचे ही था खेलने का, तो देखिए पानी से खेल रहा था, उसे निकल ही नहीं रहा था वो बिल्कुल। कैसा लगा जाके? अच्छा लग रहा है, मैं नहीं जा सकती। यहाँ पे आराम से बैठी हूँ, शायद आवाज़ आता होगा कि नहीं पता नहीं मुझे। हस्बैंड और आयन यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, तो व्लॉग शूट कर रही हूँ और एंजॉय कर रही हूँ। 3 बज गए, अभी हम लोग निकलेंगे घर के लिए आधे घंटे में। अभी देखते हैं कैसे, क्योंकि घर पहुँचते हुए 1.25 घंटा लगेगा हमें, तब इसे पोछना करना उसके बाद उसे लेके जाना। वहाँ पे लोग इतने एंजॉय कर रहे थे ना, मतलब अबव 40-50 एज की जो लेडीज़ थी उन्होंने ग्रुप बना के आए थे, वो इतना एंजॉय कर रहे थे ना, उनको देख के इतना अच्छा लग रहा था ना मुझे कि वो ऐसे पानी में बैठ के इतनी सारी बातें चीते कर रहे हैं। बस तो अभी हम लोग चल रहे हैं घर की तरफ, बहुत बहुत यहाँ से अभी उतरने का रास्ता बहुत डेंजर है, अभी धीरे 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 जाना पड़ेगा। थोड़ा सा रास्ता एकदम डिफिकल्ट वाला है भीवपुरी वाटरफॉल में, पर चल जाता है, कुछ नहीं। आयन तो मेरा इतना अच्छी तरीके से चला कि वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था, और वो इतना अच्छी तरीके से चल रहा था ना, कुछ हमें उसने प्रॉब्लम नहीं दी, ऐसे उसे पानी से बाहर नहीं आना था। तो बस यहाँ पे उसे लेके चल रहे, फिर गाड़ी पे हमने उसे अच्छी तरीके से पोंछ के फिर हमने उसे कपड़े डाल दिए फिर से ऐसा। तो वहाँ पे ऐसे लॉकर की सुविधा है, मतलब कपड़े लॉकर रख सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, वैसा सब है। तो यहाँ से एकदम रेलवे स्टेशन से उतर के इतना सारा चलना पड़ता है, और बाइक से आते हैं तो उसके लिए दूसरा रास्ता है, तो डायरेक्ट वहाँ पे गाड़ी पार्क करके ऊपर सिर्फ 10 से 12 मिनट्स में पहुँच जाते हो। हम लोग निकल चुके थे वहाँ से, और अभी बस हमारे घर के 10 से 15 मिनट्स ही बचे हैं हमारे घर को। तो मुझे चाय पीनी है, तो मैं ये वाले चाय पीने के लिए आई हूँ। चलिए तो चाय पीती हूँ और फिर जब बढ़ते आगे घर की तरफ। तो ये रही मेरी चाय, मेरे बाल एकदम बिखर चुके हैं गाड़ी में। बस तो अभी हम लोग वहाँ से घूम घाम के आ गए घर की तरफ, 5 मिनट में घर पहुँच जाएंगे। पर भूख इतनी लगी थी तो हम वड़ा पाव खाने के लिए रुक गए एक जगह पे, गरम वड़ा पाव। पानी का बॉटल बोलो, ठंडा बोलो, ठंडा। काजू खा रहे हैं, देखा पैकेट, पैकेट किधर है? ऐसा छुपा छुपा के कौन खाता है? तो अभी एकदम बाल बाल सब बिखर गए गाड़ी में और पहुंच गए हम लोग घर पे। बहुत थक गए, बहुत मतलब इतना मतलब ट्रैकिंग कभी किया नहीं है ना मैंने, तो स्पेशली नहीं किया। हस्बैंड तो गाँव वाँव में कर चुके हैं, मैं तो बिल्कुल ट्रैकिंग नहीं कर सकती हूँ। तो एकदम स्लोली स्लोली चढ़ के गई, और अभी 6 बज गए हैं और अभी हम लोग घर पे आए हैं, वो थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। मैंने चेंज कर लिया है, मैंने आके तुरंत गाउन डाल दिया, इतना मतलब अनकम्फर्टेबल हो रहा था, आदत नहीं है ना बिल्कुल भी। तो अभी 6 बज गए हैं, 6:15 बज गए हैं,
आज कुछ नहीं करना है, डिनर एकदम लाइट सा कुछ तो करूंगी। आयन गया है नहाने के लिए, उसके पापा उसे नहला रहे हैं, वहाँ से भीगे थे, मैं तो नहीं भीगी थी, इसके लिए मैंने सिर्फ हैंड वॉश वगैरह कर लिया, पैर वगैरह धोना। वो दोनों जन अंदर नहा रहे हैं। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपने व्यू पूरी वाला व्लॉग, वाटरफॉल वाला व्लॉग एंजॉय किया होगा।